शिष्टी और बिरजू खेल रहे हो? अच्छा ऐसा करो, खेलना बाद में, पहले जाके पास के कोट्टे वाली दुकान से तेल ले आओ। बुआ हुँ? क्या वो हम लोग को तेल दे देगा? हाँ वो तुम लोग को तेल दे देगा, लेकिन जाने से पहले राशन कार्ड जरूर ले जाना। इसमें कितना तेल आएगा? इसमें 2 लीटर तेल आएगा बिरजू। बुआ हाँ? आपको कैसे पता कि इसमें 2 लीटर तेल आएगा? क्योंकि इसमें पिपिया में 2 लीटर तेल ही आता है, क्योंकि इसमें इसकी क्षमता जो है वो 2 लीटर की ही है। क्षमता क्या होती है? क्षमता क्या होती है आपको नहीं पता क्षमता क्या होती है बिरजू? नहीं भाभी। बुआ आपको भी नहीं मालूम सृष्टि? तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि ये क्षमता क्या होती है, ठीक है? उसको समझने के लिए सबसे पहले ऐसा करो कि ये जरा सा मेरी मदद करो सबको उतारने में, तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि किसी भी चीज की जो क्षमता होती है वो हमारे घर में, बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको आपस में एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो हमें क्षमता की परिभाषा घर में ही मिल जाती है। समझ में आया बिरजू? आ जाओ सिस्टी, मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि क्षमता क्या होती है, ठीक है? अब तुम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे बर्तन रखे हैं, दिख रहे हैं कटोरियाँ? जी भाभी। हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम लोग देखो कि इसमें कटोरियाँ जो हैं सब अलग अलग आकार की हैं, और उसी तरीके से ये देखो ये गिलास है, ये छोटा वाला है कप, ये देखो बड़ा कप है। बुआ, हाँ? आपने इतने सारे बर्तन क्यों सजा के रखे हैं? उसी लिए जो तुम लोगों ने अभी पूछा ना, जब मैंने तुम लोगों को तेल ले जाने के लिए कहा तो तुम लोगों ने कहा कि ये क्षमता क्या होती है जी? तो क्षमता को तुम लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने ये सारे बर्तन तुम लोगों को अलमारी से उतारने को कहे। समझ में आया जी? देखो यहाँ पे रखे है ना, ये देखो हमारे पास अलग अलग तरह के। अब तुम सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, तुम क्या चीज देख रहे हो जो तुम्हारे समझ में आ रहा है? ये सब छोटे से बड़े और बड़े से छोटे हैं। बहुत अच्छी तरह से तुमने ये समझा बिरजू, तुम्हें समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान से देखो, ये देखो बड़ी कटोरी, छोटी उससे छोटी, उससे छोटी, और ये सबसे छोटी है, ठीक है? तो तुम लोग एक काम करो कि मैं तुम लोगों को इसमें पानी भर के देती हूँ। ये लीजिए पापी। ये देखो ये मैंने तुम लोगों को पानी दिया, ठीक है? अब एक काम करो कि ये चम्मच लो, और बिरजू तुम इस चम्मच से इसको इधर रखो, अब खेलना बाद में। लो इस चम्मच से इसमें पानी भरो और गिनते जाना, ठीक है जी? और बताते जाओ कितने चम्मच हुए अभी? 3। ये 4। बोलते जाओ 5। 5। 6। 6। और ये 7। तो तुमने ये क्या देखा कि अब इससे ज्यादा तुम पानी इसमें भर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि ये ऊपर तक भर गई। ये ऊपर तक पानी से पूरी तरह से भर गया है। तो ये जो कटोरी भरी तो इसमें तुमने कितने चम्मच पानी डाला? 7। 7 चम्मच पानी डाला, ठीक है बिरजू? अब सृष्टि तुम एक काम करो कि अब इस बड़े वाले चम्मच से पकड़ो इसको, बिरजू चम्मच हटाओ अपनी, ठीक है? अब तुम इस बड़े वाले चम्मच से इसमें पानी भरो, इस बड़ी कटोरी में जी। और भरती जाओ और बोलती जाओ, भरो। 1। 1। 2। 2। बिरजू तुम भी बोलो। 3। 4। 5। जल्दी जल्दी भरो। 6। 7। 7 और 8। 8। तो अब देखो सृष्टि तुमने क्या देखा, बिरजू देखो तुमने क्या देखा कि ये पूरी तरह से पानी से भर गया जी। अब इसमें हम और पानी भर सकते हैं? नहीं नहीं भर सकते हैं। तो सृष्टि तुमने कितने चम्मच पानी भरा इसमें? 7। 7 चम्मच, और तुमने भी 7 चम्मच भरा था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये जो थी ये हमारी छोटी कटोरी है और ये हमारी बड़ी कटोरी है, और तुम्हारी चम्मच कैसी थी छोटी? बताएं, ये देखो तुम्हारी चम्मच थी छोटी, ठीक है, और तुम्हारी चम्मच बड़ी। तो ये देखो ये चम्मच भी बड़ी है, हैं? और ये वाली दोनों की चम्मचें देखो अलग अलग आकार की हैं,
और पानी भी अलग अलग आकार का हो गया, तो इससे क्या पता चला कि किसी बर्तन में हम जितना पानी हमने डाला तो वो उसकी क्षमता हो गई, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो पानी नहीं आ सकता। नहीं ठीक है, तो अब बुआ हाँ पहले ये बताइए कि ये क्षमता क्या होता है। तो ये क्षमता, यही तो हमने तुमको समझाने के लिए इतने सारा काम किया है कि इस छोटे वाले बर्तन में तुमने 7 चम्मच पानी डाला, तो इसका मतलब इस छोटे वाले बर्तन की क्षमता कितनी हो गई? 7 चम्मच। और तुमने इसमें कितना डाला? 7 चम्मच। और इसकी भी क्षमता कितनी हो गई? 7 चम्मच। ठीक है, तो अंतर बस क्या था, छोटे चम्मच की और बड़े चम्मच की। आगे बात समझ में? तो ये इसकी क्षमता कहलाती है। लेकिन और ये भी तुमको बता दें, तो ये क्या थे, अलग अलग आकार के बर्तन थे। देखो ये अलग आकार का बर्तन था, ये अलग आकार का बर्तन था। तो एक बात और सामने आती है, क्या कि अलग अलग आकार के बर्तनों की क्षमता अलग अलग होती है। होती है क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है वो कम खाना खाता है, उससे बड़ा वाला होता है वो ज्यादा खाना खाता है, और जो सबसे बड़े लोग होते हैं वो बहुत खाना खाते हैं। होता है ना, घर में भैया होते हैं ना, सब भाई बहन होते हैं, कोई एक रोटी खाता है, कोई दो रोटी खाता है, तो ये उसकी क्षमता होती है। आगे बात समझ में जी अच्छी तरह से जी। कि किसकी कितनी क्षमता होती है, इस पे लिखा है विभिन्न आकार के बर्तनों की क्षमता अलग अलग होती है। यही तुम लोगों को हमने बताया था, फिर से बताना, विभिन्न आकार के बर्तनों की क्षमता अलग अलग होती है। बिल्कुल ठीक, ये तुम लोग देख रहे हो, ये क्या है, खेलने वाली बॉल होती है, चमकने वाली। अब उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई दो बर्तन लेते हैं ठीक है, तो इसमें जो है हमारे कितना पानी किसी में आता है। देखो अब जैसे कि हम इस कप से, देखो एक कप पानी हुआ ठीक है, तो एक कप पानी अगर हम इसमें डालते हैं, ये देखो ये हुआ एक, पता ना कितने कप पानी हुआ, एक कप। और ये क्या हुआ, दो कप। तो ये क्या हुआ, पूरा भर गया। तो जब कोई बर्तन से हम किसी चीज को भरते हैं या दूसरे बर्तन को भरते हैं, तो वो उस बर्तन की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। यानी कि हमने कितने कप इसमें पानी भरा, दो। देख रहे हो ये भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, तो इस बड़े कप की धारिता कहलाएगी दो कप। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया ना। तो ये तो हमने तुम लोगों को बताया कि किसी भी चीज की धारिता कैसे नापी जाती है। अब जो हम तुम लोगों को बता रहे थे कि ये जो बॉल है, अब देखो अगर हम इसको इस गिलास में डालते हैं, देखो ये तुम लोगों को रंग बिरंगी बॉल्स दिख रही हैं जी। तो देखो हमने तब तक इसमें डाला जब तक ये, अब क्या हुआ, ये तो भर गया। ये पूरी भर गई जी ठीक है। तो अब ये पूरी एक गिलास पूरी हमारी रंग बिरंगी बॉल्स हो गई। अब देखो इस बॉल को अगर हम दूसरे गिलास में डालते हैं, देखो हमारे सामने हम डालते हैं, देखना ये देखो। अब तुमने क्या देखा, ये भी भर गई, ये भी पूरी तरह से भर गई। यानी कि हमने जो बॉल इस गिलास में डाली थी वो पूरी तरह से भर गया था, तो वही वाली बॉल हमने इसमें डाल दी, अब ये वाला गिलास भी पूरी तरीके से भर गया। तो हम क्या कहेंगे कि इस गिलास की और इस गिलास की, जो कि देखने में दोनों क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं ना, लेकिन दोनों की धारिता अलग एक से है, समान है धारिता। धारिता का मतलब क्या बताया था, कि जिस बर्तन में जिस चीज से जितना पानी या जो भी द्रव हम नापते हैं वो उसकी धारिता कहलाती है। अभी तुमने देखा था इस कप की धारिता कितनी थी, दो छोटे कप। तो उसी तरीके से हमने तुमको इससे समझाया, हमने इसमें बॉल्स भरी, फिर इसको हमने इसमें डाला, तो क्या देखा, ये भी उतनी बॉल इसमें भरी जितनी किसमें थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों गिलास की धारिता समान है। तो इसको हम कहते हैं धारिता, और बहुत से बर्तनों की धारिता एक समान भी होती है ठीक है जी। लेकिन तुम लोगों को एक बात हम और बताना चाहेंगे। देखो एक चीज मेरे पास और रखी, ये जैसे बड़ा सा कप है, इसमें हम भरेंगे, तो देखो ये हम भर रहे हैं, ये डाले, तुम लोग बता सकते हो कि इसमें तुम लोग क्या चीज देख रहे हो, ये आधा खाली है, ये पूरा नहीं भरा। इसका मतलब कि इसकी धारिता और इसकी धारिता
अलग है, अलग अलग है, इसमें हमें और बॉल्स की जरूरत पड़ेगी पूरा भरने के लिए। तो ये बर्तन और इस बर्तन की धारिता अलग अलग है, ये बात समझ में आ गई। उसी तरह से जो है हम अलग अलग तरह की, हमारे पास देख रहे हो कि बॉटल्स हैं, ये है, ये देखो छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो सब में अलग अलग तरह का पानी आता है, ठीक है, अलग अलग। और तुमको ये और बता दें कि ये जो धारिता है खाली कप और चम्मच से नहीं नापी जाती है। तुम सोच रहे हो कि बुआ बता रही है तो ये चम्मच और कब से नापी जाती होगी, लेकिन नहीं, ये नापी जाती है, इसकी माप करी जाती है किसमें, लीटर और मिलीलीटर में, किसमें, लीटर और मिलीलीटर में। हाँ, और तुमको ये भी बताना चाहेंगे कि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो किसी बर्तन की जितनी क्षमता होती है वही उसकी धारिता कहलाती है, ठीक है जी। धारिता की माप लीटर और मिलीलीटर में की जाती है, किसमें की जाती है, लीटर और मिलीलीटर में की जाती है, याद रहेगा तुम लोगों को जी। और एक बात हमने और तुम लोगों को बताई थी कि एक लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होते हैं। बहुत अच्छी तरह से लगता है तुम लोग को समझ में आ गई ये धारिता और क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ कि इस पीपीएम में कितना तेल आएगा, 2 लीटर। 2 लीटर, तो सृष्टि तुम बता सकती है इसमें कितने मिलीलीटर आएगा, बिरजू तुम बताओ, 2000 मिलीलीटर। देखा, लगता है बिरजू को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इस पीपीएम में 2 लीटर यानी की 2000 मिलीलीटर तेल आएगा, ठीक है, समझ में आ गया जी। अच्छा वैसा करो कि तुम लोग लो ये पिपिया और जल्दी से जाके दुकान से तेल ले आओ, नहीं तो दुकान में बहुत भीड़ भर जाएगी, जाओ जल्दी, तुम भी जाओ।